वेलकम टू साग कुकिंग चैनल में सबको स्वागत है। दोस्तों आज बनाने वाले हैं बहुत बेहतरीन रेसिपी, आप लोग को भी खाया नहीं होगा और देखा नहीं होगा। पिशावरी कढ़ाई चिकन बहुत बेहतरीन बनेगा। चलिए दोस्तों पिशावरी कढ़ाई चिकन कैसे बनाते हैं। आराम होने तक 2 मिनट रुकेंगे, उसके बाद मैं डालूंगा तेल, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 30 ग्राम तक ऑयल डाला हूँ। तो मैं चिकन मीडियम साइज का काटिंग वाला बोन पीस लिया, आप लोग चाहे बड़ा पीस बिरयानी पीस का जैसे बड़ा पीस ले सकते हो, आप लोग का चॉइस है, क्योंकि मैं जल्दी बनाने के लिए तो ठीक है। फिर कुछ मसाला जाएगा नहीं, पहले तेल जाएगा, इसके बाद में डालूंगा चिकन। देखिए इस तरह से चिकन डाल दूँगा, नीचे नहीं लगने के लिए थोड़ा नमक डालें तो लगेगा नहीं, मतलब पकड़ेगा नहीं। अच्छा से फ्राई करिए, इसका साथ में जाएगा थोड़ा चिकन होने के बाद टमाटर जाएगा, जैसे छोटा चम्मच लेंगे, बड़ा तरह से टमाटर काटने से फिर इसका साथ एक टमाटर का ग्रेवी बनेगा। क्या बनेगा? पिशावरी चिकन कढ़ाई, हमारे इंडियन कढ़ाई चिकन का संयुक्त है, वो दिल्ली का चल कढ़ाई चिकन पिशावरी। पहले मैं 2 मिनट के लिए ढक्कन डाल के रख दूंगा, बिल्कुल स्लो कर दिया, आराम से पकेगा। अभी मसाला के लिए मैं लूँगा पिशावरी कढ़ाई मसाला के लिए मसाला गोटा वाला धनिया इतना सा, इसका बाद में लूँगा जीरा, इसका बाद में लूँगा गोलमरीच। गोलमरीच मेरे पास ऑलरेडी क्रॉस वाला है, ठीक है दोस्तों। सो साथ में पहले कूट लेते हैं हाथों से कूटने को, और रोस्ट नहीं करने को, फ्राई नहीं करने, कच्चा वाला मेरे कूटेगा, ऐसा कूट के डालना, मैंने क्रॉस टाइप चाहिए। मिक्सी में कर सकते हैं हम लोग, हाथ में वो कर सकते हैं, हाथ में अच्छा होगा, मिक्सी में करेंगे पाउडर हो जाएगा, तो आप लोग का जो चॉइस है। इस तरह में मिक्सी में पिसला, देखिए पूरा इस तरह का, ज़्यादा पाउडर नहीं करने को, इस तरह से काटिए। आप लोग चाहिए 2 पीस सूखा मिर्ची वो दे सकता है, कि पिसा पर में मिर्ची नहीं देगा, ओनली जो है ब्लैक पेपर, मतलब गोलमरीच, गोटा धनिया और गोटा साबुत जीरा, छोटा जीरा, इसको क्रॉस वाला चाहिए, मतलब कूट के जो डाल सके वो अच्छा है। मैं मिक्स में हल्का सा मार के इस तरफ से कर ली, बहुत बेहतर हो गया। इसका साथ थोड़ा ब्लैक पेपर मिक्स करूँगा क्रॉस वाला, देखिए दोस्तों क्रॉस वाला मैं डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर, तो मिक्स कर लिए। आप लोग को जितना चाहिए उतना हिसाब से डालिए, अभी जाऊँगा चूल्हा में उठा के देखूँगा टमाटर, टमाटर का देखने के लिए है तो तोड़ बने इस तरह से, उसी से ग्रेवी बनेगा हमारा। टमाटर का छिलका में इसको निकाल सकते थे, निकाल लेगा इस तरफ से, देखिए सब निकाल लेगा इस तरफ से, सारे भी इस तरफ से निकाल लीजिए, जितना होते अच्छा रहता है। इसका बाद में डालूंगा थोड़ी सी स्टॉक वाटर, क्योंकि मसाला पकाने का है, टमाटर का छिलका जितना निकाल सके उतना अच्छा, कर दीजिए बहुत अच्छा रहेगा। डालूंगा स्टॉक वाटर, 1 कप स्टॉक वाटर डाला,
का दिखा रखते हैं। और भी हल्का है, जैसे हाथों से भी उठा सकते हैं। देखिए कितने वो टमाटर अच्छा रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। और ये एक है, इसका बाद में डालते बड़ी से हल्दी पाउडर, काशी मिर्च चिल्ली पाउडर, और चाहिए किचन किंग मसाला। तो अच्छी तरह से सैंपल रेसिपी, कोई भी ये नहीं है। साथ में डालूंगा थोड़ा अदरक लहसुन, पानी डालने से पहले डालिए। इसका बाद में डालूंगा थोड़ी सी नमक, पहले डाला था और थोड़ा डालूंगा नमक। हाथों से नमक चाहिए, चिकन ऑलरेडी रेडी हो गया हमारा, चिकन में पक गया। और थोड़ा सा पकाऊंगा, अभी डालूंगा कड़ाई मसाला, पिसा वाली कड़ाई मसाला, वही है मसाला में। चिल्ली पाउडर मेरा चॉइस से डाला, क्यों थोड़ा टीका होना चाहिए, टीका मसाला लाल होना चाहिए, इसीलिए मैं डाला। उसका बाद हरा मिर्ची, हो गया ऑलरेडी हमारा कढ़ाई, पिसा वाली कढ़ाई हो गया। तो चूल्हा बंद करेंगे, साफ करके दिखाऊंगा। दोस्तों एक छोटा कढ़ाई लिया, इसमें पिसा हुई चिकन कढ़ाई डाल दूंगा इस तरफ से, आप लोगों डालिए। और कढ़ाई में डाल के देने, कढ़ाई का चिकन नाम है तो कढ़ाई में डालने का ज़रूरी है। इस तरफ से बहुत बेहतर रेसिपी, मसालेदार काम है और स्पाइसी कम है। आप लोग बनाए, सिंपल रेसिपी, बहुत बेहतर रेसिपी। हाँ आप लोग सोचा होगा कढ़ाई चिकन में पेप्सी कम और प्याज डायमंड कढ़ाई क्यों नहीं है, वो पिसा हुई चिकन कढ़ाई में नहीं जाते, वो सैंपल रेसिपी है, वो आप लोग जरूर ट्रायल कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। आप लोग गार्निश के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, मैं डालूंगा अदरक का स्लाइस, ऊपर से धनिया पत्ता। तो इसका बाद में कस्टमर को साफ करेंगे, बहुत बेहतर रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्रायल करिए। रेसिपी का साइड इसका सा मैचिंग जबरदस्त रहेगा, परोठा नान रोटी और गरम चावल का साथ, आप लोग जरूरी साफ कर दिए, बहुत बेहतर रहेगा। देखिए हाँ, देखने को बहुत खुश है, रेसिपी बहुत मज़ेदार है। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए।